अगर आपके याद हो दोस्तों, तो मैंने इस चैनल पर जब सबसे पहली बार वीडियो डाली थी थर्ड आई के ऊपर, तो मैंने कुछ चीज़ें बोली थी। मैंने कहा था कि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा सिर्फ वही चीज़ें बोलूँगा, वही एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊँगा जिनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद होगा। और आपको ये भी याद होगा कि मैं किन लोगों से और किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। आज का टॉपिक भी यही है। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ पर कुछ वीडियो देखी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कोरोना संकट का दौर है, सारी दुनिया मुसीबत की घड़ी में है, और इस समय भविष्यवाणियों का सिलसिला भी हमेशा की तरह जारी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ धार्मिक भविष्यवाणियाँ हैं और कुछ वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ हैं। दोनों को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, और कुछ सवाल है, और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ में आप भी उन सवालों को करें। दोस्तों, कहा गया है कि रामायण या रामचरितमानस के अंदर ये बताया गया है कि चमगादड़ों से कोरोना होगा। ये भविष्यवाणी रामायण में हो चुकी थी हजारों साल पहले, शायद शिव महापुराण में तो यहां तक बताया गया है कि ये कोरोना जो फैलने वाला है ये चीन देश से आएगा। और इसमें तो ये भी बताया गया है कि 24 मार्च के बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब कितना ख़त्म होएगा आप देख ही लो, मई मई स्टार्ट होने वाली है, तो ये कम हुआ है कि ज़्यादा बढ़ रहा है वो आप लोगों को पता ही है। खैर खैर, चलो आगे चलते हैं। उपनिषद में कोरोना की भविष्यवाणी, वेदों में कोरोना की भविष्यवाणी, सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, बहुत सारे धर्म और उनकी किताबों में हर एक इंसान लगा हुआ है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही कोरोना की भविष्यवाणी की गई थी। ये तो हो गई है धार्मिक भविष्यवाणी, ये बहुत सारी हजारों में है, मैंने कुछ चुनिंदा चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। अब दूसरे पहलू पे बात करते हैं, वैज्ञानिक भविष्यवाणी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, 2 साल पहले साउथ कोरिया में एक वेब सीरीज बनी थी सन 2018 में, मैंने उसको देखा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो मैंने उसको बारीकी से देखा, उसमें एक वायरस के बारे में बताया गया था कि वायरस फैल गया है लोगों में और लोगों की मृत्यु जो है ना वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल सेम तरीके से बताया गया कि फीवर होगा, खांसी होगी, जुकाम होगी, मतलब फ्लू होगा, और फ्लू में जो है ना 5-7 दिन के अंदर जो है ना व्यक्ति मर जाएगा, और ये एक वायरस है और इस वायरस का नाम है कोरोना। ये साफ साफ उस मूवी के अंदर बोला गया है, कोरोना वायरस। और उसमें ये भी बोला गया कि इसको एक लैब में तैयार किया गया है, कुछ रिसर्च चल रही थी और किसी गलती की वजह से ये लीक हो गया, और उसको लीक होने की वजह से ये आपदा जो है ना हमारे ऊपर आ गई है, और इसका इलाज अभी तक नहीं है और पता नहीं कब तक बनेगा, ऐसा करके वो एक मूवी में इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, यहाँ पहले हम लोग साइंस की इस थियरी के ऊपर बात करते हैं। जो वेब सीरीज बनी थी 2 साल पहले, कैसे पता चल गया कि कोरोना वायरस करके कुछ आएगा 2 साल बाद। एक एग्जाम्पल और इसमें साथ में हम लोग जोड़ लेते हैं, आज से 50, 60, 70 साल पहले कुछ मूवीज बनी थी जिनमें आधुनिक गैजेट्स के बारे में बताया गया था कि भाई आने वाले भविष्य में हमारी दुनिया कैसे होने वाली है। तो आधुनिक गैजेट्स जो आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन का होना, या उस टाइम पे कुछ मूवीज ऐसी बनी थी कि भाई 2020 में दुनिया कैसी होगी या 2010 में दुनिया कैसी होगी, जैसे कि टाइम ट्रेवल मशीन बनाई गई, ठीक है ना, 1950 में या 65 में, और वहाँ से कोई व्यक्ति 2020 में या 2010 में आ गया तो उसने देखा भविष्य कैसा है। तो ये जितने भी गैजेट्स आप आज के टाइम पे देख रहे हो, ये आज से 50-60 साल पहले मूवीज़ में ऑलरेडी दिखा दिए गए थे। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है। साइंस में क्या होता है, जो साइंस की जो चीज़ें होती है ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे कि आज से 50 साल पहले कैसे पता चल गया था, मतलब 1950 में, 60 में, 70 में कैसे उनको पता चल गया था कि 2010 में और 2020 में हम लोग क्या क्या तरक्की कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च चल रही थी कि भाई आने वाले 50 साल के अंदर अंदर हम लोग ये चीज़ें बना लेंगे, ऐसा करके वैज्ञानिकों की कुछ थ्योरी थी जिनके ऊपर मूवीज बना दी गई कि भाई 2010 में 20 में ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इन चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है, वो भविष्यवाणी नहीं है, उनके पीछे एक लॉजिक है। ऐसे ही कोरोना वायरस जो है इसके ऊपर 3-4 साल से काम चल रहा था,
अभी आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, 3-4 साल पहले से ही वही अमेरिका ने साफ साफ चीन को फंड भी दिया था कोरोना वायरस, ये भी नाम भी पहले से ही रखा गया हुआ था, इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। ये एक इत्तेफाक है कि लैब से वो निकला या जानबूझ के निकाला गया, वो तो अभी प्रोसेस में चल रही है चीज़ें, वो चीज़ें बाद की बात है। लेकिन हाँ, कोरोना नाम पहले रख दिया गया था, ये फ्लू है ये भी पहले से ही पता था, और इसके ऊपर कुछ खोज चल रही थी, कुछ रिसर्च इस चीज़ के ऊपर चल रही थी। फिर ये लैब से कैसे निकला, कुछ मिस्टेक हुई, गलती हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भविष्यवाणी नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ये एक साइंस है और साइंस के पीछे हमेशा कोई ना कोई लॉजिक होता है। अब कुछ इलॉजिकल चीज़ों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर, रामचरितमानस हो, दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में भविष्यवाणियाँ पहले से होती रही हैं, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। यहाँ मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आपको भी ये सवाल करना है, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये सवाल आप लोगों को करने हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 1 घंटे पहले तक इन लोगों को कभी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है इस दुनिया के अंदर। दुनिया गवाह है कि आज तक जो जो भी संकट इस दुनिया के ऊपर आया है, वो चाहे महामारी के रूप में हो या किसी विध्वंस के रूप में हो, जैसे सुनामी का आ जाना, कोई भूकंप हो जाना, कहीं पर ज्वालामुखी फटना, किसी देश ने किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, यहाँ तक कि मलेरिया हो आ गया, डेंगू आ गया, कैंसर आ गया, एड्स आ गया, प्लेग आ गया, कुछ भी आ गया, अब कोरोना आ गया, जैसे ही ये आएगा 1 घंटे के अंदर अंदर भविष्यवाणी आ जाती है कि भाई हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही बताया हुआ है ऐसे ऐसे करके, और अभी कुछ दिन और आप वेट करो, कुछ दिन और वेट करो आप, जैसे ही इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी तब तक कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, जैसे ही इस कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी सब अपने ग्रंथों को फिर से निकाल लेंगे कि देखो हमारे ग्रंथों में पहले ही बताया हुआ था कि कोरोना की बीमारी का इलाज ये है, ये इन इन दवाइयों से, इन इन चीज़ों से इसका इलाज बनने वाला है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाइयों तुम लोग सोए हुए रहते हो क्या? ये रामायण मैंने भी पढ़े हैं, ये रामचरितमानस मैंने भी पढ़े हैं, और भी हजारों लोग पढ़ रहे हैं, और आप तो इस चीज़ के गुणी हैं, आप तो दिन रात इनको पढ़ते हो, तो जब समस्या आ जाती है तब उसके बाद में आपको कैसे पता चलता है कि ये भविष्यवाणी पहले से लिखी गई है हमारे ग्रंथों में? पहले क्यों नहीं पता चलता आपको इसके बारे में? एक व्यक्ति ने बताया, एक कोई उपनिषद था, उसने बताया कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक श्लोक पर, अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक सेंटेंस पर, एक श्लोक पर, कि मैंने देखा ये तो, अरे ये तो इसी महामारी का जिक्र है, आज तक मेरा ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? यार कितनी बार ये डायलॉग बोलोगे आप? हर बार जब कोई संकट आता हर बार तुम सेम लाइन बोलते हो, हर बार। और मैं सिर्फ इस धर्म की बात नहीं करूँ, मैं कोई हिंदू धर्म या मैं कोई धर्म विरोधी, किसी खास धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं हर धर्म के ग्रंथों के बारे में बता रहा हूँ। सब लोगों ने टिप्पणियां कर रखी है भैया, सब लोगों ने, देख लो आप, जब डेंगू आया था अभी कुछ सालों पहले की बात है, जब डेंगू आया था डेंगू आया था, जब प्लेटलेट्स जो है ना गिरने लगी थी अचानक से, फिर वो किसी ने बताया लौकी का जूस पियो, ये पियो तो प्लेटलेट जो है ना वो बढ़ जाएगी, ऐसा करके कुछ चीज़ें जो आई थी, तो उस टाइम पर भी तो बताया गया था डेंगू का इलाज हमारे इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, फलाने में लिखा हुआ है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। मैं इन लोगों से सिर्फ इतनी से बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा है, ये जो संकट अभी चल रहा है, और अगर तुम लोग बहुत बुद्धिमानी हो वाकई, और अगर वाकई आपके ग्रंथों में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है, और वाकई अगर आपके ग्रंथों में हर एक बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, तो अभी आपके पास समय है, बैठो और खोजो। क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद में फिर ये मत बोलना कि हमारी किताबों में पहले से लिखा हुआ था। हम लोग इस भयंकर संकट से गुजर रहे हैं, ये पूरी दुनिया ऐसे संकट से गुजर रही है, ये सिर्फ हमने आज तक हमने हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखा था कि ऐसे ऐसे वायरस फैलता है और पूरी दुनिया उसके ग्रस्त हो जाती है और दुनिया ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। जब हम लोग ये हॉलीवुड मूवीज देखते थे ना, तो हम लोगों को हंसी आती थी, ये सोचते थे कि यार ऐसे भी कहीं होता है क्या, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, घर में कैद होकर बैठ गई है पूरी दुनिया, और आप लोग छोटी छोटी भविष्यवाणियाँ कहाँ कहाँ से निकाल कर, कि आज से पहले सेम सेंटेंस का, सेम संस्कृत के श्लोक का अर्थ कुछ और था, उसी श्लोक का अर्थ कुछ और था, जैसे ही कोरोना आया उस श्लोक का अर्थ ही बदल दिया। रामायण पढ़ी भाई हमने, ठीक है, महाभारत पढ़ा हमने, हमने उपनिषद भी पढ़े, हमने बहुत सारे पुराण भी पढ़े, और भी धर्मों की किताबें पढ़ी हैं हम लोगों ने, लेकिन कैसे पढ़ी है? हिंदी में रूपांतरण है, हिंदी में अनुवाद किया गया उनका,
3 साल बाद फिर से उनका, यह सारी हिंदी किताबें जब बिक जाएगी दोबारा से उनका अनुवाद किया जाएगा, किसी भी श्लोक के नीचे ऐड कर दो कि कोरोना आया, कोरोना आया, इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी थी, इसका इलाज लिखा हुआ था, कर दो, हमें क्या पता चलेगा घंटा। ये तो सिर्फ मैं आज की सिचुएशन के बारे में बोल रहा हूं, और अपने चैनल पर पहली बार मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को किसी के व्हाट्सएप में या अपने फेसबुक के अकाउंट पर एक थप्पड़ के रूप में चिपका डालो। वैसे मैं आप लोगों से इतने चीज़ तो जरूर बोलना चाहूँगा भाई, अगर इतनी ही सारी चीज़ें अगर आप लोगों के धर्मों में या किताबों में अगर लिखी हुई है, तो जो इलाज लिखा हुआ है तो एक दो आविष्कार तो करके दिखाओ। जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो एक तो आविष्कार बता दो जो आप लोगों ने इन किताबों को पढ़ के किया हो, जो करता है आज तक साइंस करता हुआ है, जो भी किया है आज तक साइंस ने किया है। मलेरिया की दवाई बनाई साइंस ने बनाई, कैंसर के कारण बचाव तरीके दवाइयाँ, एड्स के बारे में या जितनी भी चीज़ें हैं, आज कोरोना के बारे में भी जो बचाव के तरीके जो बताए गए हैं कि कैसे बचना है, क्या इसके लक्षण है, वो भी सारा साइंस बता रहा है आप लोगों को। तो जब आप अपने इस ज्ञान के बल पर कोई खोज नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं बना सकते, कोई ऐसा छोटा बड़ा आविष्कार नहीं कर सकते जो इंसान के काम आ सके, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, तो क्या फ़ायदा है ऐसे ज्ञान का? और हम क्यों आपको फॉलो करें फिर, क्यों माने आपकी बात? जब आप अपने भविष्यवाणियों को समय रहते लोगों को बता करके उनके कुछ काम नहीं आ सकते, तो फिर हम क्यों माने आपको? फिर तो हम लोग साइंस को ही मानेंगे ना, तो वही तो अपने काम आता है। और आप लोग भी तो कहते हो, आप लोग तो खुद कहते हो ना, जो हम लोगों के काम आ जाए उसका एहसान हम लोगों को हमेशा मानना चाहिए, सबसे बड़ा वही है जो ज़रूरत में हमारे साथ में खड़ा रहे। तो आप लोग तो कभी खड़े रहे नहीं, आप लोग वही काम करो जिसमें आप माहिर हो, सांत्वना देने वाला काम। जी हाँ, सांत्वना देने वाला काम करो, बस वही कहो जो आप कहते आए हो, ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है, बस ये आप करते रहो, बाकी सब कुछ जो है ना इंसानों पर छोड़ दो, साइंस पर छोड़ दो। विज्ञान है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स हैं, संभाल लेंगे, आप प्रभु का नाम लो, बात खत्म, इतना ही तो करना है, छुट्टी। दोस्तों एंड में मेरा भी आप लोगों से ये कहना है कि प्लीज़ अपने घर पे रहे, जैसे जैसे लोग आपसे मतलब जैसे जैसे डॉक्टर्स लोग आप लोगों से बोल रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। अभी देखो जारी है वैक्सीन वगैरह बनाने का काम, और दोस्तों जो मुझसे और करीब से जुड़ना चाहते हैं वे मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर ले, मैं छोटे छोटे लाइव सेशंस वहाँ पर डालता रहूँगा। और ये जो वीडियोज के जो मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, ठीक है ना, ये जो वीडियोज जो मैंने बताया ना कि मैंने न्यूज़ देखी है या साउथ की मूवी या ये वो जो ऐसी ऐसी चीज़ों जो मैं बताता हूँ ना, उनके फुटेज, उनके वीडियोस जहाँ से मैं देखता हूँ, उनके क्लिप्स, वो मैं इंस्टाग्राम पर और अपने फेसबुक पेज पर मैं उनको अपलोड करता रहूँगा, ताकि वो चीज़ें आप लोग भी देख पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 2 में, देखते हैं क्या उसमें मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।